ये मोदी मर जाए तो अच्छा है, इसने पूरा किया, पूरा नहीं किया। रहना जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, वो कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, तो क्या कहोगे उनसे? मतलब उनसे कोई तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर टाइगर जिंदा है तो हमारे लिए जिंदा होना चाहिए, जब तक हम रहेंगे ना तब तक जिंदा रहेंगे वो, मगर हमारी हेल्प कर उधर ऐसा रास्ता हमारे कोई डिपार्टमेंट आता नहीं, सीधी बात है, जो मेरा उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा, जो कोई बोलेगा कुछ बोलना दे, मगर हमारा डिपार्टमेंट भी है ना इधर, मैं इसी को जाम करूंगी, सीधी बात मैं ब्लॉक करूंगी, तो फिर देखना क्या होगा, जब हमारे काम ही नहीं होते हैं, सिर्फ मानते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे वो मान देंगे। कांग्रेस हो जो भी पार्टी हो मेरे लिए सारी बराबर है, वो बात मैं नहीं करूंगी, वो हमारे लिए सारे एक ही है, क्योंकि पैसे इनको क्यों तनख्वाह दे रहे हैं, जब अब डीसी है या चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है या कोई भी चेयरमैन है, इनकी तनख्वाहें बंद करो, इनको काम की सच में कर दूंगा, झूठ बोलने की बात नहीं है, मैं कर सकती हूँ सीधी बात, जो आएगा इधर फिर जब तक मेरा काम नहीं होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूँ सुलेंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मुद्दे होते हैं उनको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ में महिला मोर्चा के यानी कि बीजेपी के जो है वाइस प्रेसिडेंट है भाला से, और अभी हम भाला के अंदर हैं, आप जानते हैं लगातार यहाँ की खबरें दिखा रहे हैं, भाला के अंदर जो है मुद्दों को लेकर जो है बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ में जुड़े हैं, इन्हीं से नाम जानेंगे इनका, और उसके बाद क्या मुद्दे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी की सरकार ही कह लीजिए, क्योंकि जो है इंडिया की अगर हम बात करें तो रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी है, लेकिन उनके लोगों को भी जो है संघर्ष करना पड़ता है, उनके लोगों को भी लड़ना पड़ता है अपने जो है वहाँ के लोकल मुद्दों के लिए। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या जो है मुद्दे हैं? सर, मेरा नाम हाला देवी है, तो शुक्रिया आपको, तय दिल से मैं शुक्राने का अदा करूँगी, क्योंकि मुझे भी मौका मिला है बोलने का, तो हमारी कोई सुनाई नहीं है इसमें, सुनाई बिल्कुल क्यों नहीं है कि हमारे जो काम ब्लॉक के काम है वो बनते नहीं है, जैसे किट बोले थे हमें जी बनाओ जी, आप मीटर ऐसे रखो मीटर वैसे रखो, तो वो फिर आपको 4000 मिलेगा, 4500 मिलेगा, उसके बाद किसी को वो 4000 मिला है, किसी को 1800 मिला, किसी को 3000 मिला है, जो इसका मतलब है जो पैसा देगा वो उसकी वो उसको पैसे मिल जाएंगे, जो नहीं देगा जो गरीब हमारे जैसा होगा उसकी कोई सुनाई नहीं है। तो उसके बाद वॉशरूम जो थे 3-3 बार हमें फाइलें दिए, वो भी नहीं बने, तो देखो कोई भी काम है तो नहीं बन रहा है, ब्लॉक की तरफ से कोई काम है, मेरा 2016 में मैंने काम किया था, पार्क बनाई थी, वो दिया था मुझे परिहार साहब ने दिया था, मुझे दिया था उनने, क्योंकि दिलीप परिहार ने दिया था मुझे, 5 लाख का काम दिया, 3 लाख का दिया था एक को, दूसरे को दिया था, मुझे दिया था 2 लाख का काम, वो जो ये तुली ठेकेदार था मैं उसको भी शो करूंगी, मैं क्यों रखूंगी, उसने भी उसने बोला कि नहीं जी अब ये है तो आप ब्लॉक की तरफ से करो, मुबारक ये था क्या बोलते हैं इसको सेक्रेटरी, मुबारक सेक्रेटरी और तुली ठेकेदार, उनने बोला नहीं जी ये है अब जो है तो ब्लॉक की तरफ से काम करो, उसने उसमें क्या हुआ कि मुझे दिया 1 लाख और 7000, तो उसमें वो मेरी पेमेंट पूरी नहीं हुई, वो भी हो गई, तो आप जिसको मैंने काम देना जिसने काम किया था वो तो पैसे ले गया है, तो सच झूठ करके मैंने उसका पैसा दे दिया है, तो मैं तो फंस गई, वो भी काम नहीं हुआ पूरा, उसके बाद रहा किट तो वो भी पैसा नहीं मिला अभी तक, जो उसके बाद देखो ये जो वॉशरूम थे वो भी नहीं मिले हमें, कुछ भी काम नहीं, अभी रोड जो शमशान घाट का हमारा जो उधर दरख्त थे वो गिर गए सारे, उधर कुछ भी कोई डंगा नहीं कुछ नहीं, मैंने इतनी बार बोला, जब भी मकान अभी 5 मकान हमारे डैमेज हो गए इस बारिश से, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी इनके साथ सरपंच के साथ की थी, मैंने बोला कि मुझे एक ड्रेन चाहिए, क्योंकि पूरे जो उधर इलाका है इलाके का पूरा पानी उधर आता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, कोई झूठ बोलने की बात नहीं है, मेरा मकान मेरा नहीं, कोई 5 मकान उधर डैमेज हो गए, तो कोई बात ही नहीं, टस मस नहीं इनको, ये कोई बोलता कुछ नहीं कि करना क्या है, सिर्फ बढ़िया बढ़िया बातें इनकी, जब इनको वोट लेने होते ना ये मामे बनते हैं, फिर ये बोलते हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल फैच है, जैसे मोदी साहब बोल रहे कि हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं जी, मैं सुलित कर रहा हूँ, ये देखो मेरा मकान है।
ये देखो मेरे मकान की जो हालात है, ये देखो ये डैमेज नहीं है अभी, बोरे देखें जी हम डालेंगे जी हम प्लान में, ये प्लान की बात है। अभी मेरे डंगर उधर ऊपर हमें बाहर रखे हैं, वो अंदर जाने की इधर रास्ता नहीं जाने का, वो कहाँ से जाएंगे? तो ये रास्ता था आगे का, ये नीचे वाला वो है जो है ना फ्लोर, ये नीचे वाला इधर माल जाता था, इधर अभी जगह नहीं बिल्कुल जाने की, तो हमें जंगलों में रखा उनको, इनको सुनाई नहीं देते, इनको बिल्कुल ही भी काम करना नहीं है। कहा आपने? मैंने तो अभी डीसी साहब आए थे, वीडियो थे, सारे थे, अभी डिपार्टमेंट पूरा था, मैंने उधर बोला है, मैंने एप्लीकेशन भी दी है, अगर काम होगा मेरा ठीक है, नहीं तो मैं जो हाईवे है ना इधर, मैं इसी को जाम करूंगी, सीधी बात मैं ब्लॉक करूंगी, तो फिर देखना क्या होगा। जब हमारे काम ही नहीं होते हैं, सिर्फ मानते हम ये करेंगे वो करेंगे, मकान देंगे जिनको दो दो छाते मकान है। आप डराने के लिए बोल रहे हैं? मतलब डराने के लिए बोल रही, मैं डराने के लिए नहीं बोलती हूँ, मगर जो मैं बोलती हूँ वो करती हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि आप बोलेंगे आज ये डराया इनको, डराया धमकाया नहीं, मैं कर भी सकती हूँ, सीधी बात क्यों कि आप बोलने के लिए मजबूर कर दिए इनने, कुछ काम नहीं। आप चलो जब रोड ऊपर से जब हम पैदल जाते ना, भाला टू डला रोड थी वो, इन्होंने तिरिया में उधर ब्ला कर दी, उधर ही मतलब स्टाफ बंद कर दिया, उधर ही चक्का वो हो गया सारा, क्योंकि अड्डा शड्डा बन गया, तो उसके बाद हमें कोई रोड नहीं। जब हम उधर से गुजरते हैं आप देखना, जब पाँव मुड़ जाते हैं हमारे उधर चलने से, भाला से ऊपर जब तिरिया जब पीछे नाले में जाते हैं हम, उधर से ऊपर चढ़ते हैं, जब ऊपर से अप डाउन नीचे करते हैं हमारे पाँव मुड़ जाते हैं उधर, ऐसा रास्ता हमारे कोई डिपार्टमेंट आता नहीं, सीधी बात जो मेरा उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा, जो कोई बोलेगा कुछ बोलना दे, मगर हमारे डिपार्टमेंट कोई आता नहीं है, हमारी इतनी कंडीशन ख़राब है कि बोलने की बात ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हम यह गुजारिश करते हैं इनके पास कि आप चलो हमारा मौका देखो, उधर हमारे खेत चले गए, घर चले गए सारा, हम खेत के लिए भी नहीं बोल रहे, वो चलो जो कुछ हुआ वो होने दो, घर से आगे पूरा रास्ता वो निकल गया, रास्ता भी छोड़ो, जो हमारा मेन जो मकान है, तीन चार मकान क्रैक हो गए उधर, उनका हमें इमरजेंसी चाहिए, जितनी इमरजेंसी होगी उतनी हमें, क्योंकि खतरा है कि गिर ना जाए, हमें गरीबों ने बनाना क्या है, चलो जो बैठने के लिए हमारे लिए वही अच्छा है, इनके महल हमें नहीं मिलेगा, हमें जो भी होगा ना वही हमारे लिए अच्छा है, मगर हमें उसके लिए भी थोड़ा आगे से हमारा जो है ना डंगा शंगा उसको देंगे, तो उनका मैं शुक्रिया करूँगी अदा कि हमें चाहिए चाहिए। करप्शन की बात की तो सच में क्या ग्राउंड लेवल पे है करप्शन आपके एरिया में? कुछ नहीं है उधर, कुछ नहीं, कोई आता नहीं, कोई कुछ भी नहीं है उधर। मैंने बोला कि शमशान घाट जो है हमारा बिल्कुल नीचे चला गया, मैंने इतनी बार बोला कि हमें उधर डंगा चाहिए, वो भी नहीं किया, और मैंने वो ड्रेन बोली थी वो भी नहीं किया, एक मैंने पीछे से नाले से कुल बोली थी, मैंने बोला बीजेपी वाले भी हैं उनके पास भी पावर है, वो भी रविंद्र बीजेपी वाले को मैंने नहीं बोला, झूठ मैं नहीं बोलूंगी, बीजेपी हो कांग्रेस हो जो भी पार्टी हो मेरे लिए सारी बराबर है, वो बात मैं नहीं करूंगी, वो हमारे लिए सारे एक ही हैं, क्योंकि हमें काम चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हमें बीजेपी अच्छी है, हमें कांग्रेस नहीं अच्छी, हमारे लिए सारे अच्छे हैं। और जब ये देखो सरपंच, जब ये सरपंच मुझे नाम अभी नहीं आएगा, तालब शायद ये थे, ये जब सरपंच थे तभी मेरा राशन कार्ड एक बंद हुआ था, तो नाम शाम डीलर ने कट कर दिए थे, जब ये सरपंच थे तो मैंने बोला मेरा राशन कार्ड कट हो गया, इनने मेरा राशन कार्ड बनाया था, उनसे इशू कर दिया है, आज तक है एपीएल, जैसे मेरे इतने इतने मुलाजिम लगे, मुझे एपीएल है, मुझे बीपीएल नहीं बनाते, मैं हजार बार उधर गई टेसू के पास, नहीं जी आप सेंसेस में नहीं थे, नहीं जी आपका नहीं बनाएगा ये, चलो नहीं बनेगा हम वैसे गुजारा कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है, मगर इन्होंने काम किया था, जो काम करेगा उसका नाम लेंगे, जो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्या है, कोई भी समस्या नहीं है उधर, कोई पीएचई देखो अभी पीएचई हमारी लाइन है उधर, कोई मुलाजमी नहीं है हमें, मतलब कोई भी आगे पीछे कोई काम नहीं हमारा, तो हम क्या करेंगे क्या बोलेंगे फिर इनको? हमारे माध्यम से क्या उम्मीद है आपको? आपके माध्यम से ये उम्मीद है कि आगे आप बताएंगे, इनको बोलेंगे, आप सारे सुनेंगे, कोई ना कोई हमारी समस्या आगे जो हमारा है ना हमारी समस्या, वो आप क्या बता आपके माध्यम से पूरी होगी, जैसे हमारा अभी मेरा मैंने मकान दिखाया आपको कि झूठ नहीं बोला है कि क्या है, तो ये ऐसे तीन चार मकान है उधर, अब मैंने अपने का फोटो उठाया उनका मत उठाया, तो बोल रहे जी डिमांड में डालेंगे जी हम, वो आएगा साल के बाद, बोला मार्च फाइनल करना, आएगा नाम तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, मगर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के रविंदर रैना जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, वो कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, तो क्या कहोगे उनसे, मतलब उनसे कोई रिक्वेस्ट? तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर टाइगर जिंदा है तो हमारे लिए जिंदा होना चाहिए, जब तक हम रहेंगे ना तब तक जिंदा रहेंगे वो, मगर हमारी हेल्प करनी, क्योंकि जैसे मकान गिर गया है, मकान के लिए देखो अभी चार चार जिसके पास दो दो छत मकान है उनको मकान जी और भी इशू है, हमारे लिए मकान ही नहीं है, हमें कुछ नहीं है, जो हमें काम भी किया वो भी नहीं मिल रहे हैं,
उनको तो छोड़ो, उनके देना तो उनके घर में। अभी मैंने बोला था, मुझे बोल रहे जी वो आश्रम के पैसे नहीं आए। एक पंचायत में किसी को 4,000 मिला है, किसी को 3,000 मिला है, किसी को 1,800 मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। वो कौन सी गवर्नमेंट है मुझे दिखाओ ना पहले, कौन सी गवर्नमेंट है? बोल रहे जी घोटाला, ये मोदी मर जाए तो अच्छा है, इसने बुरा किया। बुरा नहीं किया उसने, बुरा नहीं किया, वो ठीक कर रहा है, वो घोटाले को मिटा रहा है। तो इनको कौड़ियाँ बातें लग रही है, कड़ियाँ बातें लग रही कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। कौन है बाकी लोग? कौन है? सारे लोग बोलते हैं जिनको जिनसे अब इनकी जिनकी पैसे, इनको क्यों तनख्वाह दे रहे हैं? जब अब डीसी है या चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है या कोई भी चेयरमैन है, इनकी तनख्वाहें बंद करो, इनको काम की कदर होगी। अगर गरीब की जब वाम आगे बेचारी जाएगी, अब देखो इतना नुकसान हो गया है। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी यहीं के सारे रल मिल के गानी है सारे, मगर मैं उनके पास नहीं गई है। एक एप्लीकेशन मैंने वीडियो को, एक मैंने डीसी को दिया, एक एप्लीकेशन में डीडीसी चेयरमैन को, वाइस जो चेयरमैन है उनके पास दूंगी, मगर मैंने दी नहीं है। झूठ नहीं बोला, अब इनको कोई पता नहीं है इनको क्या है। तो मैं उनके पास भी जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि क्या करना है, अगर मेरा काम होगा ठीक है, नहीं तो मैं जाब इधर ब्लॉक करूंगी ना। आपका काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा तब तो ठीक है, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं रुकने वाली नहीं, क्योंकि हमारा किया कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं। आप आधे रास्ते से ऊपर जाओगे, हाईवे जाम कर देंगे। हाईवे मैं जाम कर दूंगी, सच में कर दूंगी, आपको झूठ बोलने की बात नहीं है। मैं कर सकती हूँ सीधी बात जो आएगा इधर, फिर जब तक मेरा काम नहीं होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये नहीं बोलना कि अगर एक लेडीज, पहले पता क्या होता है, लेडीज होती तो पहले चंडी माता होती है, जब काली माता होगी ना फिर कोई रुका नहीं सकता है, चाहे कुछ भी होगा वो नहीं रुक सकती है। सीधी बात, जब फिर उस रूप पे आई ना, कोई कुछ भी करेगा जो मर्जी हो। क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्यों नहीं वार्ड में काम हो रहा है? मैंने तो बोला जी सरपंच है, मेंबर है, ये है क्या बोलते हैं उसको, नायब सरपंच है साले, मैंने बोला पैसे ये खा जाते हैं। जब वो भी उधर मौजूद थे, मैंने सारे को बोला वो कहाँगे, वो बोल रहे देखो जी इनकी गलती, हमें पैसे नहीं मिलते तो हम क्या करेंगे। उनने बोला तो आप उनको कैसे डांटना है, बोलो उनने तो बोल दिया कि पैसे दिए नहीं इनने, जो किट बनाए उनके भी नहीं दिए, जो वॉशरूम वो भी नहीं है, सारे कुछ भी काम नहीं बन रहे हैं। जहाँ तक रोड है उधर से ऊपर, आप चलोगे, आप मेरे साथ चलोगे उधर, तो मैं बोलूँगी दिखाऊँगी आप रास्ता भी देखना, मकान भी देखना सारे, फिर हम दोबारा बोलेंगे जाने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। और आपने सुना कि एक महिला जो है वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी की, वो भाला से, और उनकी जो है आपने वारदात सुनी कि क्या पूरा मामला और क्या मुद्दों के ऊपर जो है बातें की उन्होंने, कि अपने घर के जो है उनके रास्ता जो है निकल गया है घर के आगे से, और लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर, क्योंकि आज ब्लॉक दिवस भी था, तो अपनी ब्लॉक दिवस में इन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह डाली हुई हैं, और उम्मीद है इनको कि हमारे माध्यम से, ये हाईलाइट करना चाहती थी कि हमारे माध्यम से जो है इनके काम हो जाए, और उम्मीद हमें भी है जिस तरीके से जो है इन्होंने अपनी बात रखी है। एक महिला जैसे इन्होंने कहा कि नौ रूप एक महिला के होते हैं, वो कौन से रूप में आए इसके लिए जो है आपको आपका बिहेवियर डिपेंड करता है, और आप अगर काम कर लेंगे तो इनको जो है वो अपना रूप बदलना नहीं पड़ेगा, जिससे जो है हाईवे जाम ना करते हो। तो धमकी इन्होंने दी है कि हाईवे जाम होगा, अगर इनका काम नहीं होता है तो क्या सच में हाईवे जाम होगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन काम उससे पहले, हाईवे ब्लॉक होने से पहले ही इनका जो है हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और हमारा मकसद भी पूरा होगा। दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाज़त, अभी हम बाला से यह कवरेज कर रहे थे, और देखते रहे TLR न्यूज़, और फॉलो और शेयर करना ना भूलें। चुनाव वैली में आपको और यही मेरा नया पता है, यानी कि सुलिंदर परिहार का नया पता द अर्बन रिपोर्ट है। सब्सक्राइब करें, लाइक द अर्बन रिपोर्ट को फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
हमारे सुरेंद्र परिहार जो हैं काफी अच्छे से इसको चला रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको फॉलो करें। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि आप द अर्बन रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही उनके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गाइस, कैसे आप सब? ठीक होंगे। द अर्बन रिपोर्ट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे सुरेंद्र परिहार को अच्छे से अच्छे बार कमेंट करें।